हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे चिली पनीर। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी स्मॉल बर्थडे पार्टी या ओकेजन पर आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। सभी इसे खाकर आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चिली पनीर बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। सबसे पहले हम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेते हैं। ये देखिए, पनीर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। ये मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून मैदा, और इसी के साथ इसमें मैं मिलाऊंगी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून चाट मसाला, और साथ में नमक थोड़ा सा। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसमें मैं मिला दूंगी ये पनीर के क्यूब्स जो हमने अभी कट किए थे। पनीर के साथ मैदा और कॉर्नफ्लोर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पनीर के ऊपर एक अच्छी कोटिंग चढ़ जाए। ये देखिए, पनीर के ऊपर कोटिंग बहुत ही अच्छे से चढ़ गई है। अगर आपको ये ड्राई लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर छींटा मार दीजिए। अभी मेरी पनीर थोड़ी सी गीली थी इसलिए इसके ऊपर कोटिंग बहुत ही आराम से हो गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। पनीर क्यूब तलने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये जो पनीर क्यूब पे हमने कोटिंग करी थी इसको हम तलेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डालेंगे। अभी हम एक साइड से पनीर को तलने देंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे से तल जाएंगे उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये नीचे से थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये सभी पनीर को मैंने टर्न कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन होने देंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब इन सभी पनीर को मैं निकाल लूंगी। बाकी बचे हुए पनीर क्यूब्स को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। सभी पनीर क्यूब्स को तल के मैंने निकाल लिया है। अब दूसरी कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें अब मैं सबसे पहले डालूंगी 2 कटे हुए प्याज। ये मैंने प्याज को लंबा लंबा कट किया है। अब इस प्याज को हम थोड़ा थोड़ा भुनेंगे। इसको हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। ये प्याज थोड़े थोड़े भुन गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्ची। ये मैंने 2 शिमला मिर्ची ली है और इसको रफली चॉप किया है। इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भुनेंगे। इसको भी हमें ज्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए, शिमला मिर्ची भी थोड़ी थोड़ी भुन गई है। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटो सॉस। ये मैंने 2 टीस्पून टमाटो केचप लिया है। साथ में मिलाएंगे ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर हम डालेंगे 1 टीस्पून, साथ में मिलाएंगे रेड चिली सॉस, ये भी मैंने 1 टीस्पून ली है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक। नमक याद रखिए, हमने पहले भी डाला है, और सभी सॉस में नमक पहले से होता है तो नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं लूंगी 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, पानी और कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसको हम इस ग्रेवी में मिला देंगे। इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये अभी थोड़ी सी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे हम।
ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें लास्ट में हम मिलाएंगे पनीर क्यूब्स जिसको हमने फ्राई किया था। ग्रेवी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूंगी। ये देखिए चिली पनीर को मैंने बॉल में निकाल लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये बनी है और इसपे कोटिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है। ये मैंने ड्राई चिली पनीर बनाई है। अगर आप ग्रेवी वाली चाहें तो इसमें आधा कप जितना पानी मिलाकर उसको बॉईल कर लीजिए। चिली पनीर हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी के साथ ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हुई। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।